कल ईद है और आज है चांद रात तो हम पहुंच जाते हैं छत पे चांद देखने जो कि दिखाई नहीं क्योंकि इतने ज्यादा बादल थे मैंने सोचा यार थोड़ा रेडी शेडी हो जाते हैं क्योंकि मेहंदी वगैरह लगानी थी फिर मुझे रात को याद आता है कि यार फ्लावर भी तो तोड़ने थे मुझे गजरा बनाना था और मैं रात को ही निकल जाती हूँ फूल तोड़ने तो मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है तो यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था ना कि मैं ऐसे सज धज के आई आयू मेरे में भूत ना लग जाए फिर मैंने फटाफट से सबको सजा के रख दिया चूड़ियाँ पहन ली और यहाँ पे मैं ये हाथ वाला गजरा बना रही थी ये भी रेडी हो गया इसको फ्रिज में रख दिया और उसके बाद जो मैंने मेहंदी लगाई है ना मतलब मैं मेहंदी आर्टिस्ट बन गई थी अपने घर की इतनी सारी मेहंदी लगाने के बाद लास्ट तक आते आते मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि मेरा खुद की मेहंदी में एफर्ट मारने का मन ही नहीं किया और मैंने मम्मी से ये वाली मेहंदी लगवा ली पर्सनली बोलू तो ईस्ट बोल। तो और वेस्ट पर ये वाली मेहंदी इज बेस्ट आप बताओ आपको कैसी लगती है